कतर में मौत की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जवानों को दोहा की एक अदालत रिहा कर चुकी है, जिनमें से 7 लोग भारत लौट चुके हैं। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत कहा गया और इसके हीरो पीएम नरेंद्र मोदी माने गए। हालांकि पीएम मोदी के अलावा इस जीत में एक और हीरो भी रहे, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर 8 पूर्व नौ सैनिकों की रिहाई में बड़ी भूमिका निभाई। उनका नाम है अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ऐसा बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां 1 दिसंबर 2023 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ मुलाकात कर इस मुद्दे पर बात की थी, तो वहीं दूसरी तरफ एनएसए डोभाल ने पर्दे के पीछे की कूटनीति से ये सुनिश्चित किया कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को रिहा किया जाए। सूत्रों की माने तो 8 भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत और कतर अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई थी। एनएसए अजीत डोभाल ने खुद कतर अधिकारियों के साथ कई बैठकों की और इन 8 पूर्व सैनिकों की जेल की सजा खत्म करने पर भी लगातार जोर दिया। बताया गया कि अजीत डोभाल की कोशिशों के बाद ही कतर सरकार ने इन्हें रिहा किया। यही नहीं, कतर ने 8 भारतीयों के साथ ही एक अमेरिकी और एक रूसी को भी हिरासत से रिहा कराया है।